Hello friends, I am Smile Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction, and I hope you all are safe in your homes. And आज हमने करना है पोलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने की थी रेयन एंड नायलॉन सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, और इस वीडियो में हम करेंगे पोलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। तो पोलिएस्टर देखते हैं सबसे पहले। पोलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर की टाइप है। ये किससे बना होता है? एस्टर से, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड उसके साथ कोई भी वर्ड लगाओ मतलब उसकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। वो जैसे पोलिएस्टर मतलब बहुत सारे एस्टर को मिलाकर जो बना हुआ है वो प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम पोलिएस्टर, ठीक है। तो जो पोलिएस्टर होता है इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो वेराइटी होती है इसके टेरिलीन एंड एक पेट, ठीक है, PET। पेट की फुल फॉर्म पोली इथाइलिन टेराफ्टैलेट, ठीक है। तो जो ये हैं इसकी वैरायटीज़ हैं, जो टेरिलीन है वो बहुत सारे फैब्रिक्स में यूज़ की जाती है, मतलब कपड़ों में यूज़ की जाती है, ठीक है। एंड पोलिएस्टर में और कई तरह के फाइबर्स मिक्स कर कुछ नए तरह के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, नए तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो पोलिएस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या पोलिएस्टर की खासियत है वो देखनी है हमने। तो जो पोलिएस्टर होता है, एक तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, एंड सेकंड इज़ जो पोलिएस्टर होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब हम उसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबे समय तक चलते हैं पोलिएस्टर के कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट्स। एंड जो पोलिएस्टर होता है इसमें क्या होता है, ये श्रिंक नहीं होता, ठीक है, सुगड़ता नहीं है। द थर्ड प्रॉपर्टीज़ जो पोलिएस्टर होता है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है, रिजिस्ट रिंकल्स, क्योंकि पोलिएस्टर में कभी रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। इजी टू वॉश, मतलब इसको वॉश करना धोना आसान होता है, एंड ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। पोलिएस्टर के कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पोलिएस्टर यूज़ होता है? एक तो पोलिएस्टर बहुत ज़्यादा ड्रेस मटेरियल में यूज़ होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पोलिएस्टर की लोग साड़ीज़ पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, और ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। एंड जो पोलिएस्टर है, ठीक है, इसको नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ मिलाकर कुछ नए तरह के फैब्रिक्स जो है बनाए जाते हैं, जैसे कि जो पॉलीकॉट नाम का फैब्रिक होता है ये पोलिएस्टर एंड कॉटन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जो पोली वूल नाम का फैब्रिक होता है वो पोलिएस्टर एंड जो वूल होती है उसको मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। एंड जो पोलिएस्टर है वो पिलो स्टफिंग में भी बहुत यूज़ होता है। पिलो स्टफिंग मतलब जो हमारे घर में तकिए होते हैं उनको भरने में, ठीक है। कई जगहों पर तो आज भी जो रुई से तकिए भरे जाते हैं, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है, ठीक है, अब वो तकिए पोलिएस्टर से भरे जाते हैं, ठीक है। जो पोलीथाइलिन टेराफ्टैलेट है, पेट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बॉटल्स बनाने में, ठीक है। जो घरों में बॉटल्स होती हैं पानी वाली वो बनाने में यूज़ होता है, या फिर स्टोरेज कंटेनर्स बनते हैं जो प्लास्टिक के, वो बनाने में जो पेट है वो यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्राइलिक, ठीक है। तो एक्राइलिक क्या होता है? एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जो किससे बना है? पोली एक्रेलोनाइट्राइल, ठीक है, मतलब जो एक्राइलिक है इसको हम पोली एक्रेलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और मतलब इसके आगे पोली है, मतलब बहुत सारे एक्रेलोनाइट्राइल्स को जोड़कर पोली एक्रेलोनाइट्राइल या फिर एक्राइलिक जो है उससे बना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिल्क की तरह होती हैं, ठीक है, एक्राइलिक की प्रॉपर्टीज़, या हम कह सकते हैं पोली एक्रेलोनाइट्राइल की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वूल की तरह होती है, सॉरी मैं गलती सिल्क कह गया, वूल की तरह होती हैं, ठीक है। मतलब ये वूल की तरह लाइट वेट होता है, ये वूल की तरह वॉर्म होता है, ये वूल की तरह जो क्या होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो बहुत ज़्यादा एक्रेलोनाइट्राइल पोली एक्रेलोनाइट्राइल यूज़ करते हैं, इसके वो स्वेटर्स पहनते हैं, इसके वो जैकेट्स पहनते हैं, इसकी ब्लैंकेट्स लेते हैं, ब्लैंकेट्स मतलब रज़ाइयाँ, ठीक है। तो ये वूल की जगह पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वूल है वो महंगी है, उसके कंपैरिजन जो एक्रेलिक है, ठीक है, ये बहुत सस्ता है, ठीक है, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादा पोली एक्रेलोनाइट्राइल को
यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप मत देखना भूलिएगा। जब तक वो वीडियो नहीं बन जाती तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।